ही इज ऑन द वे। थीप एंड सन का मतलब अरे चोर का बच्चा। वो देख उसके पीछे कितने लोग हैं और मेरे सर। हाँ पक्का वो नाइजेरियन लग रहा है सर। आप एक मिनट रुकिए सर, मैं उसे हैंडल करता हूँ सर। ए दिमाग से बिछड़े इंसान, वो एनाकोंडा खा कर आया है और तुम दाल चावल खा कर आए हो। गलती से भी उसका हाथ तुम्हें लग गया तो तुम्हारी पाव भाजी बनाकर खा जाएगा। तो यही रुक, मैं हैंडल करता हूँ। ओके सर। उस लड़की के सारे लोग तो आ गए हैं लेकिन वही नहीं आई। लगता है वो बदल गई है। हाय जॉनी। हाय जॉर्ज। I tried to call you but your mobile is switched off. Yeah, George, mobile no charge. You told you have problem. अरे more problem here. You take your pudiya वापस my cash. Cash? It is impossible, man. Don't examine my passion or I kill you and put your head and your hair in car. Mind it. No cash. Hey, एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो local language में तेरी मैं हालत खराब कर दूंगा। पैसे वापस करने के लिए तेरा नाटक क्यों कर रहा है यार? What? Why are you rating your back? I say, give cash, deal close. Never. Hey, never बोल रहा है क्या लोफर? Hey, इस डॉबरमैन कुत्ते को लेकर मेरे गोदाम में चलो। वहाँ इसे उठा उठा कर मारूंगा। Hey, I'll shoot you, man. That is my shock. अरे, ये क्या एक दूसरे को शूट कर रहे हैं? मुंह खोलने के लिए कोई तो जिंदा रहना चाहिए। फिर से किसी पर गोली चलाने से पहले मुझे ही वहां जाकर उनको लॉक करवाना। इसे किसने मार दिया? हे यू, अरे मेरी माँ की कसम यार, मैंने नहीं मारा। हे सुपर, आ गई मेरी पार्टनर। हे, हर जगह हीरोइन को बचाने के लिए हीरो आता है लेकिन यहाँ पर देखो इस विलन को बचाने के लिए हीरोइन आ गई। मोना, ग्रेट जॉब। अबे बेवकूफ लोग, यहाँ क्या देख रहे हो? इन लोगों को पकड़ो, चलो चलो पकड़ो। नहीं नहीं, अरे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच के रखा है यार, सब कुछ पानी में फेर दिया तुमने। अरे शूट मत करना। अरे मेरी बात सुनो भावना, अरे इस तरह से शूट करोगे तो तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। कहता हूँ कुछ नहीं जानते, उसे शूट कर लेना तो पहले यहाँ से निकल जाओ। और जैसे भी शूट करना मेरा काम, तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए तुम पहले यहाँ से निकलो, जाओ। प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लो, हम दोनों शादी करके बहुत खुशी खुशी रहेंगे। भावना प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए आया तो तुमने मेरी जिंदगी निकाल दी। इस प्यार में लड़कियां ऐसी ही होती हैं सर, पहले खुशी से बात करती हैं फिर फंसा देती हैं। बताइए सर, ये सब करने की क्या जरूरत है साहब? बोलिए ना सर, अब सब करना चाहिए क्या? आज के बाद उसे प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत ही होगी। संभाल कर सर। वो बूढ़ा है ना, उसे फल देकर के आता हूँ। देता हूँ। दादाजी मौसमी खाएंगे क्या? बकवास मत कर, दिमाग खराब है क्या तेरा? देख रहे सर क्या कह रहा है ये? मैंने तुझसे कहा था कि ये पूछ कर आओ मुझे कब डिस्चार्ज करेगा, पूछ कर आए क्या? हाँ, ध्रुवा नाम का सज्जन आ रहा है क्या? क्या कहा? ध्रुवा सज्जन आ रहा है। ए, सज्जन नहीं, सज्जनी है। ओ सज्जनी, वो तो मेरे घर के बगल में रहती है, और भी अच्छा होगा, आने दो उसे। सज्जनी आ रही है। चिल्लाना तो बाहर जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे बेवकूफ तुम चुप हो जाओ, मुझे भगाकर तुम्हें यहाँ आना है क्या? ए, अरे जाओ। एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, पर्दा डाल देता हूँ, चुपचाप सो जा। देख रहे सर बूढ़ा कैसे बात कर रहा है। सर बाद में रिपोर्ट्स आएंगी, आकर ले लीजिएगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी, आपको बुरा ना लगे तो मुझे सिस्टर बोलने में परेशानी होती है, मैडम कह के बुलाऊं चलेगा? थैंक यू। अपना काम कर चल।
कुछ भी बोलता रहता है। मैं आता हूँ। हाय। हे, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? डॉक्टर, डॉक्टर, ये बुके लेकर मुझे मारने के लिए आई है, चली जाइए यहाँ से। अरे यहाँ से। आओ, क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ यही देखने के लिए आई हूँ ना? इसकी तो मैं अभी। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कूल, शांत हो जाओ। ये मुझे मारने के लिए आई है। अरेस्टर, शी इज अ क्रिमिनल। ये कौन है तुम्हें पता है? कौन है? बहुत बड़ी मिनिस्टर है क्या? ये चोरनी है एक नंबर की। नहीं बेटा, ये पिंकी है। पिंकी हो या मिंकी हो, लेकिन ये एक नंबर की चोरनी है। अरे ये मेरी बेटी भावना, तुम्हारी बचपन की दोस्त। तुम इसके पीछे पिंकी पिंकी करके घूमते थे ना? ये आपकी बेटी है क्या सर? और इसी का नाम भावना है? तो हॉस्पिटल में शायद बेबी चेंज हो गई क्या? हो सकता है, आजकल लोग भी इतने ज्यादा हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं? ये आपकी बेटी नहीं हो सकती, इसे अरेस्ट कर लीजिए और अपनी सगी बेटी ढूंढ लीजिए सर। हे, जो भी मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। ये मेरी ही बेटी है और ये अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। मैंने तुम्हारे पीछे इसे तुम्हें बैकअप देने के लिए भेजा था। बैकअप? देखो जो कुछ भी हुआ ना वो मेरे प्लान के मुताबिक ही हुआ। सॉरी विक्रम, पर मैं भी इस डिपार्टमेंट की ही हूँ, तुम्हें पहले नहीं बता पाई। डिपार्टमेंट वाले कोई एक दूसरे को मार सकते हैं क्या? नहीं, वो तो गलती से हो गया। मैं तो वहाँ जॉर्ज को शूट करने गई थी। सर, चलिए सर। मैं तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं। सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की को चला गया, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। क्या बोला था? जैकी चैन भावना बोला था। कहाँ विक्रम, अभी तक एविडेंस लेकर नहीं पहुँचे? लेकर भी नहीं आऊंगा। अच्छा, फिर भावना और अंकिता? ऑलरेडी मर्द बनकर निकला हूँ। तब तो तुम्हारी लवर की जिंदगी खत्म। बेचारी, उसको अब कौन बचाएगा? दुर्योधन के पीछे 100 लोग कौरव हैं, तो इस अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं हो सकता है क्या? विक्रम, एविडेंस मेरे हवाले कर दो, वरना कोई नहीं बचेगा, तुम भी नहीं, समझ गए?
इतनी पवित्र खाकी पहनकर ऐसा घटिया काम करने का आपका मन भी कैसे किया सर? ऐसे गलत काम करके आपने करोड़ों रुपए तो कमाए होंगे, लेकिन आपकी माँ वापस आ गई क्या? आप पर कई लोगों की माँ भरोसा रखती हैं, आपको पता है ना सर? तकलीफ ने सब कुछ सिखा दिया ऐसा कहने वाले आप, घटिया साम्राज्य बनाने से अच्छा बूढ़ों के लिए कोई आश्रमशाला या फिर कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते हैं? सेंटिमेंटल कहानी सुनाकर गलत काम करने वाले तुम जैसे लोगों के लिए ना कोई बेल मिलेगी और ना ही माफी है। अंकिता, तुमसे प्रॉमिस किया था ना मैंने कि तुम्हारे माता पिता के खूनी को सजा दिलाऊंगा। अंकल, हाँ? आपने इन लोगों से लड़कर मुझे तो छुड़ा लिया, लेकिन आंटी? आंटी सही टाइम पर नहीं पहुंचा इसलिए आंटी को उन लोगों ने मार दिया होगा। अरे उधर तो देखो कौन आया है। हाँ? अंकिता। आंटी। तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम बहुत ग्रेट हो भावना, मरने के बाद भी तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो, हैट्स ऑफ। ए पागल, हा? मैं मरी नहीं हूँ। बेचारी, अब मैं क्या कहूँगा, तुम्हें मारा गया है। हाँ, क्या करूँ, तुमसे शादी करके तुम्हारे गले में माला डालने के बारे में सोचा था।